नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चम न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तड़के मुंबई के फेमस मुच्छड़ पान वाला यानी रामशंकर तिवारी को अरेस्ट किया है। तिवारी से पूरी रात पूछताछ हुई। सोमवार को एनसीबी ने मुच्छड़ पान वाले को समन भेज पूछताछ के लिए तलब किया था। रामशंकर तिवारी सोमवार सुबह 10 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे, जहां 17 घंटे की पूछताछ के बाद एजेंसी ने उन्हें अरेस्ट किया है। शनिवार को पकड़े गए ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी से पूछताछ में मुच्छड़ पान वाले का नाम सामने आया। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक मुच्छड़ पान वाला भी सजनानी के ग्राहकों में शामिल था। मुच्छड़ पान वाले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर बड़े ड्रग्स सप्लायर से पूछताछ में भी निकल कर सामने आया था, जिसके बाद मुच्छड़ पान वाले की कैम्स कॉर्नर की दुकान से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई थी। एनसीबी ने दो दिन पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला, उनकी बहन सहित दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। मुच्छड़ पान वाला नाम की दुकान 45 साल पहले मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज स्थित तिवारीपुर के रहने वाले पंडित श्याम चरण तिवारी ने खोली थी। मुंबई मलबार हिल्स के कैंप कॉर्नर में स्थित ये दुकान अब तिवारी के बेटे जयशंकर तिवारी और उनके तीन भाई चलाते हैं। तिवारी परिवार के सभी लोग अपनी बड़ी बड़ी मूछों के चलते पहचाने जाते हैं। मुच्छड़ पान वाला के ग्राहकों में कई फिल्मी हस्तियां, उद्योगपति और नेता शामिल हैं। इसके अलावा दुकान के बाहर आम लोगों की भी पान खरीदने के लिए लाइन लगती है। दुकान से पान ऑनलाइन मंगाने की भी सुविधा ग्राहकों को दी जाती है। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।